बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि चाकसू उपखंड के ऊपर राजस्थान में चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 महाविद्यालय खोले, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय कि जिस तरह से ये लोग पिछले कार्यकाल में ये चाहते नहीं है कि कोई दलितों की बात उठाए, रो दलितों की बात जाए, जिस तरीके से इनकी सरकार थी, SC ST के 153 पद काट दिए थे उस समय। माननीय सभापति महोदय कि पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट जारी हो गया और उसके बाद में 153 पद SC के 87 पद काट दिए गए थे। 66 पदों का हमारे ST के छात्रों का काट दिया गया था माननीय सभापति महोदय। उसके बाद में हमारी सरकार ने आने के बाद में इन लोगों को माननीय मंत्री महोदय ने, उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों को जोड़ने के लिए वापस से RPSC को पद लिखा, फाइनेंस की स्वीकृति ली, कार्मिक विभाग की स्वीकृति की ली। माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा विभाग के कहने के बाद भी अभी तक RPSC ने उन 153 योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो RPSC ने अभी तक 153 पदों की जो योग्य अभ्यर्थी है उनकी सूची जारी करनी थी, RPSC को शीघ्र निर्देश प्रदान करें कि 153 बच्चों की तत्काल प्रभाव से सूची जारी करवाएं। माननीय, ये लोग पहले भी ऐसे करते चले गए, इसी तरह से SC ST के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इनकी सरकार ने फूड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 5% जो सरकार देती आ रही थी उसको बंद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब अपनी सरकार ने ये गुड एकेडमिक का जब 5% की छूट दे दी अभी नई भर्तियों के अंदर, तो जो पिछली भर्तियां थी उसके अंदर जो 5% की छूट नहीं दी गई उसको भी लागू करके जो चयनित जो विद्यार्थी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां दिलाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक तरफ और दिलाना चाहता हूं कि जो ये सेट की परीक्षाओं के बारे में, इस सेट की परीक्षाओं के बारे में हमारे धौलपुर और भरतपुर के जो हमारे जाट समाज के छात्र हैं उनको मौका अभी दिया गया था। हमारे यहाँ पर 8 साल से सेट की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है, इसके वजह से हमारे वहां के नौजवान साथियों को इन परीक्षाओं में बैठने का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सेट की परीक्षाओं की जो तारीख है वो आगे बढ़ाकर जो धौलपुर के, भरतपुर के, जाट समाज के हमारे छात्र हैं उनको भी सम्मिलित कराने का प्रयास करें। एक मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जिस तरह से उच्च शिक्षा के अंदर वहां पर चाकसू में, कोटखावदा में कॉलेज खोले गए, तो हमारे छात्रों की, युवाओं की मांग है माननीय खेल मंत्री जी से कि वहां पर छात्रों के लिए, कि जयपुर से पास है 40 किलोमीटर, खेलों का काफी स्कोप है, हमारे चाकसू विधानसभा क्षेत्र के बच्चे काफी सभी गांवों में खेलने के लिए जयपुर एकेडमी में आते हैं। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि चाकसू के अंदर एक खेल स्टेडियम बनाए, इंडोर स्टेडियम बनाए, उसके लिए जिस तरह से बात हुई है मैं 1 करोड़ रुपए विधायक कोष से भी दे दूंगा,
और ज्यादा से ज्यादा जो भी राशि होगी हमारे प्राइवेट अन्नदाताओं से वो भी कराने का प्रयास करूंगा कि जिससे हमारी खेल की प्रतिभाएं हैं, अगर खेल स्टेडियम बन जाता है तो वहां की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिले। लेकिन विशेष रूप से मैं यही कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि जो आरपीएससी ने अभी तक जो हमारे डिपार्टमेंट के कहने के बाद भी नहीं निकाली है, वो नियुक्तियों की सफल अभ्यर्थियों की सूची तत्काल प्रभाव से दे, जिससे हमारे SC ST के छात्रों को लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जब गलती मान ली थी पिछली सरकार के लोगों ने, उसे के मार्फत हमारा डिपार्टमेंट चाह रहा है और RPSC को बार बार रिमाइंडर भेज रहा है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी करें, परंतु RPSC टालम टोल कर रही है, नियम 16 का हवाला दे रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नियम 16 का हवाला इसमें लगता भी नहीं है, न कोई वैध कारण होते हुए भी RPSC इनकी नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। ऐसे पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप निर्देशित करें और माननीय मंत्री जी महोदय से कहें कि तत्काल प्रभाव से 153 जो ST ST के पद है वो तत्काल प्रभाव से जारी करवाने की कृपा करें, जिससे जो बच्चे हमारे राय देख रहे हैं माननीय सभापति महोदय, जिन बच्चों के रिजल्ट आने के बाद में जो ये चीज रोक ली गई थी उनकी नियुक्तियां पत्र तक रोक लिए गए थे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में मैं कई बार मिला भी हूं, मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, 153 हमारे लेक्चरों का सवाल है, ये हमारे ST ST के कर्णधार है। माननीय सभापति महोदय, इन बच्चों के लिए आप तत्काल प्रभाव से आदेश करना है, RPSC इनकी लिस्ट वेटिंग लिस्ट जारी करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन लोगों का काम हमेशा ये रहा है कि गलत काम खुद कर जाओ और दूसरे का बोलने का मौका दो, यह आज इन्होंने चरितार्थ कर दिया है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।